हेलो बच्चों, चलिए हम अपना जो चैप्टर था 3.3 हम लोग का ट्राइगो का, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 है, तो इसको कैसे प्रूफ कीजिएगा। LHS ले लीजिएगा। ठीक है, ऊपर में पहले आप ऐसे कर लीजिए, cos 4x + cos 2x। ठीक है, इसको साथ में ले लीजिए, इसको और इसको। ठीक है, और cos 3x को अलग कर दीजिए, डिवाइडेड बाई, नीचे भी वैसा ही कीजिए, sin 4x + sin 2x और sin 3x को अलग कर दीजिए। ऐसा क्यों किए हैं? इसलिए देखिए किए हैं कि हम लोगों को जो फॉर्मूला होता है उसमें एंगल का सम बाई टू होता है और एंगल का डिफरेंस बाई टू होता है। ठीक है, तो इसका जब सम करेंगे 4 और 2 6 बाई 2 3 मिलेगा, तो ये हमको कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, जबकि इसको हम लेते तो हम फिर 4 और 3 हमको 7 बाई 2 आता, इसको इसको अगर लेते तो 4 और 3 7x हो जाता बाई टू, तो 7x बाई 2 फिर कोई फायदा नहीं होता है ना, इसलिए हम लोग ऐसे पहले क्या कर दिए, इसको अरेंज कर दिए। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाइए क्या होता है, cos A + cos B का होता है 2 cos, ठीक है, A + B / 2, तो A + B 4x + 2x / 2, तो 6x / 2 हो जाएगा। ठीक है, और into cos A - B / 2, तो 4 में 2x घटाएंगे तो 2x / 2 आएगा। ठीक है, प्लस क्या होगा, cos 3x। ओके, नीचे क्या है, sin A + sin B क्या होता है, 2 sin A + B / 2, तो फिर से 6x / 2 आएगा, इंटू क्या हो जाएगा, cos A - B / 2, तो 2x / 2 हो जाएगा प्लस sin 3x। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हुआ, ये आप देखिए तो 2 3 6 कट रहा है ना, तो cos 3x आ रहा है और ये कॉमन निकल जाएगा, तो cos 3x को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 2, ये cos x बन गया +1। ठीक है, नीचे में देखिए ये sin 3x बन जाएगा, ये भी sin 3x है, कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा 2 cos x + 1, तो ये सेम फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा, तो cos/sin बच रहा है, ये क्या है, ये आपका cot 3x। ठीक है, काफी इजी है, सिर्फ आपको करना है। अब देखिए यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे cot x + 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot 3x ऐसे लिख सकते हैं, ये एक cot क्या हो गया, x + 2x यानी a + b। ठीक है, और ये cot 3x होता है, तब हमको फॉर्मूला देखना है कि मेरा फॉर्मूला क्या होगा cot A + B का। ठीक है, सारा फॉर्मूला आप जानते हैं, तो देखिए cot A + B का फॉर्मूला क्या होता है, cot A + B का फॉर्मूला होता है cot A cot B - 1 / cot A + cot B। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, तो हम लोग क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज cot x + cot 2x। ठीक है, cot A + B हो गया नीचे में, ओ सॉरी ऊपर में cot A into cot B - 1, माफ कीजिएगा। ठीक है, cot A ये इंटू है, cot B - 1 और डिवाइडेड बाय नीचे में cot A + cot B। ठीक है, तो A मेरा x है और B मेरा 2x है। ठीक है, इक्वल टू cot 3x। अब आपका काम हो गया, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था, ये क्या है, ऊपर में है cot x into cot 2x - 1 = अब इसको आप क्रॉस कर दीजिए इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहले cot x को cot 3x से करेंगे, तो cot x into cot 3x, ठीक है, प्लस फिर cot 2x को cot 3x से कीजिए, cot 2x cot 3x। ठीक है, अब सिर्फ आप इसको अरेंज करके लिख दीजिए, आपका देखिए प्रूफ हो गया। क्या करना था, cot x into cot 2x को इधर रहने दीजिए, ये वाला मिल गया, cot 2x cot 3x को इधर ले आइए, cot 2x cot 3x, ठीक है, इसको भी इधर ले आइए, cot 3x cot x, सब इधर आ गया, और इस वन को उधर ले जाइए। ठीक है, तो आपका प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था, आसानी से हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 जो है हमारे पास, वो हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे एक रिजल्ट यूज करेंगे, ठीक है, वो रिजल्ट भी मैंने आपको बताया है tan 2x का। ठीक है, तो tan 2x का कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए LHS ले लीजिए, tan
टेन फोर एक्स को क्या लिखेंगे, टेन टू इंटू टू एक्स, ऐसे, ठीक है, ओके। तो ये देखिए ये कैसा हो गया, ये टेन टू ए हो गया, इसको अगर हम ए बोलते हैं तो ये क्या हो गया, टेन टू ए। तो टेन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए टू टेन ए बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए, ओके। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग इक्वल टू टू टेन ए, ए के जगह पे क्या, टू एक्स बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी टू एक्स, ठीक है। अब फिर से टेन टू एक्स का फॉर्मूला यहां पे डाल दीजिए, तो टू टेन टू एक्स क्या होता है फिर से, तो टू टेन एक्स बाई वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस, यहां पे भी वही चीज, टू टेन एक्स बाई वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा चूंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले टेन टू ए का फॉर्मूला लगाया, फिर जब ये आ गया, ठीक है, तो हम लोग क्या देखिए कि टेन टू एक्स, तो टेन टू एक्स यानी टेन टू ए, तो फिर से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टू टेन एक्स बाई वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यही किया है मैंने यहां पर भी, यहां पर भी, अब सिर्फ हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, ऊपर में क्या आ गया, फोर टेन एक्स और डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये आ गया, ठीक है। अच्छा नीचे देखिए, नीचे में इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। और फिर ये यहां पे क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस ये क्या हो जाएगा, फोर टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए एक फैक्टर जो है वो यहां से कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर ले जाइए तो क्या आ जाएगा, फोर टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर को खोल दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर, टू ए बी ना, तो टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी टेन फोर एक्स और माइनस क्या है, फोर टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखिए आपका रिजल्ट आ गया, फोर टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये देखिए क्या हो गया, वन माइनस टू और फोर क्या हो जाएगा, सिक्स टेन स्क्वायर एक्स और प्लस टेन फोर एक्स, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया आसानी के साथ, क्लियर है। अच्छा इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला है, क्या है, कॉस टू एक्स इक्वल टू होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, ओके। तो अब आप देखिए, देयर फोर कॉस फोर एक्स जो है उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस टू इंटू टू एक्स, ठीक है। तो अब यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अब एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, टू एक्स, इसको क्या लिखेंगे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर टू एक्स, ठीक है, ओके। इस टू के लिए देखिए यहां पे हाफ हो जाता है, टू एक्स है तो एक्स लगा, तो यहां पर आपका क्या है, यहां पे आपका है फोर एक्स कह लीजिए, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, टू एक्स, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, वन माइनस टू, अब फिर से साइन टू एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, साइन टू एक्स का ये फॉर्मूला होता है। अब क्या आ जा रहा है, देखिए वन माइनस ये टू और टू का स्क्वायर फोर यानी एट, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, काफी सिंपल था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोगों को ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम वैसे ही अप्लाई करेंगे, क्या होता है बोलिए, सिंस मेरा कॉस टू एक्स क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कॉस सिक्स एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कॉस टू इंटू थ्री एक्स, ठीक है। तो अब ये कॉस टू ए हो गया, तो सिक्स एक्स का हाफ क्या हो जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थ्री एक्स, ठीक है। टू एक्स का देखिए हाफ होता है एक्स, तो यहां पे सिक्स एक्स का हाफ क्या हो गया, थ्री एक्स, अच्छा वन माइनस, अब साइन थ्री एक्स को क्या बोलते हैं, तो साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, ठीक है, ये भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, ओके। ये सारा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, आप यहां पे देख सकते हैं, देखिए साइन थ्री ए का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए,
ओके, तो साइन 3x का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो यहां पे डाल दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 sin x माइनस 4 sin 3x का होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसको खोलिए, 1 माइनस 2 ए स्क्वायर यानी 9 sin² x, ठीक है, 2ab, 2 3 6 4 24, 24 साइन और साइन क्यूब साइन 4x प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और साइन क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो साइन 6x, ठीक है। अब आपको करना क्या है, कुछ करना नहीं, आपका प्रूफ हो गया है, अब आप इसको बस अरेंज करके लिख दीजिए। सबसे पहले हम लोग को चाहिए 32 cos 6x, तो देखिए ये साइन 6 है, अच्छा वो मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गया देखने में ना, कॉस में प्रूफ करना था हम लोग को, और हम लोग क्या किए हैं साइन में, हम हमारा प्रूफ हो रहा है, तो वो असल में यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाया। अगर कॉस में प्रूफ करना है तो हम लोग को ये फॉर्मूला लेके चलना पड़ेगा, क्या, 2 cos² x - 1, ठीक है, क्योंकि ये कॉस में आएगा, इसे तो साइन में आ गया पूरा, अब अरेंज करेंगे तो साइन में, तो आप इसको लेके चलिएगा, और फिर तो ये फिर क्या हो जाएगा, यहां पे इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos² 3x - 1, ठीक है, तो आप यहां पे cos 3x का वैल्यू डालिएगा, ओके, तो cos 3x का वैल्यू क्या होता है, sin 3x का तो ये होता है, cos 3x का क्या होता है, cos 3x का होता है उल्टा, 4 cos³x - 3 cos x, ठीक है, तो आप इसको यहां पे बिठा दीजिए और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, उम्मीद आप लोग कर लेंगे, आसानी के साथ प्रूफ हो जाएगा। और ये भी पता चला कि अगर साइन में ये दिया रहता तो साइन में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता, हमको ऐसे चलना पड़ता जैसे हम चले थे, ठीक है, तो कॉस के पास दोनों फॉर्मूला है, साइन का भी है कॉस का भी है, तो चूंकि कॉस में प्रूफ करना है, मैं देखने में मेरे को लगा कि साइन में प्रूफ करना है इसलिए मैं ऐसे चला, ठीक है, लेकिन चूंकि कॉस का प्रूफ करना है तो आप ऐसे चलेंगे, क्लियर है, ठीक है, इसमें कॉस 3x का वैल्यू डाल करके a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के खोलिएगा, ये बिल्कुल आ जाएगा, आसान है, ठीक है, इसलिए मैं अब आगे नहीं बताऊंगा, ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है, साइन 3a का फॉर्मूला, कॉस 3a का, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, आपको थोड़ा इसको याद कर लेना है ताकि आपको काम करने में आसानी हो, ठीक है, ओके, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए और फिर हम लोग जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है उसके साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।